गाइस देख रहे हो मतलब पूरा फुल्ली मैं ऐसे खींच नहीं पा रहे थे। आ जा ये पूरा मतलब भाई फोर्स कितना बताया आपने काफी, देखो पूरा प्रॉपर निकल दिखा दे रहे हैं। हेलो गाइस कैसे हो, सब बढ़िया। मैं भी बहुत ही अच्छा और आज मैं आया हूँ करोलबाग। और करोलबाग में ऐसी थंबनेल और टाइटल देखकर तो पता चल गया होगा मैं क्या दिखाने वाला हूँ। तो आज है मेरा शिवम भाई। और शिवम भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई, मतलब कैसी ब्रीड रहे हो जी? आपको आपको आज हम मास्टिफ ब्रीड दिखाएंगे, मास्टिफ दिखाएंगे आपको, फ्रेंच मास्टिफ दिखाएंगे। और भाई क्वालिटी की बात करूँ तो भाई इसके पास जेन्युइन क्वालिटी हो रही है। तो और भाई के इन फ्यूचर, अब मैं इन बात करूँ तो इन फ्यूचर अगर किसी को पप्पीज लेने हो तो भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल दूंगा आगे, इन फ्यूचर में डाल दूंगा। तो भाई आगे भी ब्लॉग बनेगा, आगे भी ब्लॉग बनते रहेगा, इसलिए बात पे चैनल कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन मस्ट है। तो भाई ये देखो क्वालिटी देखो, वो भाई इस क्वालिटी किसके बारे में बताओ? अपनी फ्रेंच मैस्टिफ है ये, इसको इसका ओरिजिन है फ्रांस से, ओरिजिन है इसका फ्रांस में, फ्रांस के अंदर इसको गार्ड डॉग भी यूज़ करे जाते थे। अच्छा, इसको गार्ड डॉग भी यूज़ करा जाता था क्योंकि उधर जो खेत होते थे ना उधर, हाँ, वो फसल खराब करते थे, गीदड़ वीदर आए जैसे भेड़ी वेड़े उनसे बचाने मतलब हंटिंग के लिए भी हंटिंग यूज़ भी होता था इसका। अच्छा, आज भी हमारे इंडिया के अंदर बहुत जगह है फ्रेंच मास्टिफ का हंटिंग यूज़ होता है, हरियाणा के अंदर पंजाब के अंदर बहुत जगह हंटिंग यूज़ होता है इनका। भाई देखो क्वालिटी कितनी, भाई इस ब्रीड के मतलब बारे में बता, मतलब कैसे इसे जज की जाए? जैसे आप अब तो भाई रख रहे हो तो आपको पता होगा कि इस ब्रीड को मतलब जस्ट कैसे क्या रहा जाता है। सबसे बड़ी बात है जी भैया, अगर आप फ्रेंच मास्टिफ ले रहे हो पहली बार आप गए हो किसी डॉग शॉप पे, आप कैनल में जा रहे हो तो आपको उसका फेस देखना है फ्रेंच मास्टिफ का, ये देख सकते हो पंच फेस होना चाहिए बिल्कुल। और रिंकल्स आपको मेरे को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, रिंकल्स आपको खुद दिख रहे होंगे। हाँ, बचपन के अंदर पपीज का रिंकल्स खुद ही दिखेगा। अच्छा, बचपन में भी दिखते हैं? हाँ, बचपन में भी दिखेंगे भैया। अच्छा, और बोन आप देख सकते हो भाई, बोन्स की बात करो तो भाई बोन्स दो कितनी हैवी बोन है। अभी इसकी तो एज कम है पर आगे जाके तो उसको और भी हैवी बोन होगी। अच्छा, तो भाई मैं एज की बात करूँ तो एज कितना होने वाला? 15 महीने एज हो चुकी है, 15 महीने की हो चुकी है। और भाई इसकी हाइट की बात करो तो हाइट कितनी है? इसकी 25 से 28 इंचेस के बीच में हाइट आती है। अच्छा, 25 से 28 इंचेस के बीच, 28 के। और मैं इसकी बात करूँ लाइफ स्पैन की तो कितना होने वाला? लाइफ स्पैन इसका होता है 8 ईयर्स से 10 ईयर्स के बीच में लाइफ स्पैन होता है, अगर बंदा इसकी कोल वो कर रहा है, केयर बहुत अच्छी कर रहा है, इसको फीड अच्छी दे रहा है, खान पान इसका अच्छा कर रहा है, तो इसकी है 3-4 साल और जी सकते हैं। अच्छा, 3-4 साल और एक्स्ट्रा जी सकते हैं। गाइस देख रहे हो मतलब पूरा फुल्ली मैं ऐसे खींच नहीं पा रहे थे। आजा ये पूरा मतलब इतना आजा बुझो लगा रखी है ना भाई, अभी बोल रहा तू बोल रहे तो ही आ पा रहा है ना, तो नहीं आ पा रहा भाई, मतलब पूरा एकदम जिसे कहूँ ना बुझो मेरे से डर रहा है पता नहीं क्यों। नहीं नहीं देख रहे हैं ना आपको ये, और नई नई जगह पे आया हुआ है वैसे भी, बुझो आजा। मैं इसे संभाल नहीं पा रहा इतना मतलब काफी। इसका वजन कितना होगा भाई इस समय? भाई इसका होगा ये 55 के बीच में होगा, बस 55 के बीच में होगा, मैं इसे संभाल नहीं पा रहा, मेरे से ज्यादा वजन तो इसमें है। तो गाइस अब मैं दिखाने वाला हूँ मेल, और भाई मेल की क्वालिटी आपको पता ही, मेल तो भाई कति जेन्युइन होता है, तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। तो भाई ये मतलब आप कहाँ से लेके आए थे इस ब्रीड को? ये मेल आया था पंजाब से, गुरसेवा कैनल है हमारे सरदार जी नरेंद्र पाल सिंह जी, उधर से ये मैंने पपी उठाया था। और गाइस अगर तुमने इस कैनल का नाम नहीं सुनाना था, गूगल पे जाओ, गूगल करो, और फेसबुक पे भी पेज है, फेसबुक पे पेज है, गूगल कर लो, गूगल पे पता चल जाएगा, है ना। हाँ, तो भाई ये क्वालिटी देखो भाई के, काफ़ी डर रहा भाई ये देखो आप देखो भाई क्वालिटी देखो भाई पूरी एकदम प्रॉपर देखो, हेड देखो भाई, हेड जो हेड रुक जा स्टे, ये देखो हेड भाई, हेड देखो कितना काफी मतलब काफी देखो, पूरे प्रॉपर रिंकल दिखा दे रहे हैं, प्रॉपर रिंकल। और भाई देखो पैरों में, बहुत सारे बंदे बोलते हैं पैरों में भी रिंकल आ रहे हैं, प्रॉपर रिंकल आ रहे हैं। तो भाई मतलब इसे डाइट क्या देते हो? डाइट ये समय मैं ना वैसे तो मैं इसको एग दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, सर्दी के समय एग ही दे रहा हूँ, वैसे मैं इसको गर्मी में देता था, मैं पनीर देता था इसे, पनीर में देता था। अच्छा, पनीर में रॉयल कैनिन दे दिया। अच्छा, वैसे तो मैं एक चीज पूछूं मतलब एक टाइम की इसकी मतलब डाइट कितनी हो जाती है? दिन की हो जाती है 350 ग्राम, 350 ग्राम एक दिन की, एक टाइम की हो जाती है, एक टाइम की 350 ग्राम का एक टाइम का डाइट हो जाती है।
और देखो भाई कि कितने महीने का है ये भी इतने 15 महीने का है, ये भी 15 महीने का है। तो गाइस देखो भाई कितनी अच्छी है। तो भाई मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि मतलब ये घर के लिए कैसी ब्रीड है? भाई बहुत अच्छी ब्रीड है, वैसे बहुत बच्चों के साथ तो ऐसे घुल मिल के रहती है ब्रीड ये। जो मेरी एक बुआ का बेटा है वो आता रहता है ना उनके साथ, वो इसके ऊपर चढ़ जाता है, वो किसी को कुछ नहीं कहता, उल्टा मतलब घोड़े की सवारी कर लेता है। खेलने में मगन हो रहा है भाई। मैं आया हूँ खेल, मतलब मेरे साथ खेलने के लिए इतना वो हो रहा है ना। आजा मतलब मेरे साथ खेलने के लिए वो कैसे कर रहा है ये? तो मतलब भाई इसकी मतलब इस जैसा आपने बताया कि मतलब इसकी वैसे मतलब हंटिंग डॉग है ये वैसे। हाँ हाँ। तो मतलब इसकी बाइट की कितने वो होता है? जी इसका बाइट फोर्स होता है 556 पीएसआई होता है इसका बाइट फोर्स। बाइट फोर्स कितना बताया आपने? 556 पीएसआई, 556 पीएसआई। तो गाइस तेरे पे कुछ वो नहीं रहता क्या? अपने शरीर का वजन संभाल नहीं जाता बेचारी, इतनी मोटी हो गई अपने वजन का, अपना शरीर का वजन संभाल नहीं जाता इससे। चल अच्छा चले घूमने के लिए। तो गाइस देखना ये मतलब घूमने के लिए ना हमेशा रेडी रहती है। अभी देखिए ना जाऊंगा घूमने के लिए, बोलूंगा चल तो सीधे कैसे जाएगी बाहर? आ जाएगी नहीं? चल ये हो गई तैयार। कहाँ जा रही है? चल अरे चल 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 रही है। चल ये मैंने गेट खोला यही पे रहेगी। ओ कहाँ जा रही है? आ गई। ये देखो बाहर। चलो यार चल चल मैं जा रहा इसे घुमाने के लिए। मैं हमेशा घुमा लेता हूँ, वहां से वीडियो शूट करके आने के बाद मैं जाकर सो गया और मैं थक गया था बहुत ज्यादा, तो आके सो गया और इसको लेके जाता हूँ, घुमा के आता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे बात, कुछ बात करनी इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखना। कैसे इंपॉर्टेंट बात ये करनी थी, इंपॉर्टेंट बात मतलब मैं एक फाउंडेशन की सोच रहा हूँ और काफी अच्छे लेवल पे सोच रहा हूँ, तो मुझे कैसे हेल्प करनी है वो आप मैं इन फ्यूचर बता दूंगा, मतलब कैसे हेल्प करनी है कैसे नहीं करनी। अगर किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई हेल्प करना चाहता तो ही करो, अदरवाइज नहीं। तो उस और हाँ फिर उसके बाद मैं आया, फिर मैं सो गया था और सोने के बाद भाई थक गया था, मतलब वहां से आने का तो नींद आ गई थी। फिर उसके बाद गिन्नी को लेके गया, फिर गिन्नी को लेके आने के बाद फिर मैं मतलब थोड़ा बहुत बाहर गया, फिर बाहर अरे कहना क्या चाहते हो आ गया, फिर उसके बाद मैं आया, फिर मैं सोई गया कर रहा हूँ, मतलब आज शूट कर रहा हूँ। तो ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई। और अगर छोटा मोटा किसी को ब्लॉग बनाना तो ऑन इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकता है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों नहीं करते, फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।